नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल चैनल बोल बुलबुल। दोस्तों आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्प्रिंग चार्जिंग मोटर क्लोजिंग कॉयल एंड ट्रिपिंग कॉयल का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होना चाहिए या कितना होता है, क्योंकि एक व्यूअर ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि सर एक वीडियो बना दीजिए कि सर्किट ब्रेकर का जो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर होता है, क्लोजिंग कॉयल एंड ट्रिपिंग कॉयल होता है, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना होता है। तो मैं तो आपको आज ये वीडियो में रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे मालूम करेंगे कि स्प्रिंग चार्जिंग मोटर खराब है या सही है। और वीडियो का अंत में आपको समझ में आ जाएगा कि स्प्रिंग चार्जिंग मोटर खराब क्यों होता है, कौन सा रीजन की वजह से स्प्रिंग चार्जिंग मोटर खराब हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मैं आगे जितना सारा वीडियो लाऊं सारे वीडियो आप तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन जरिए पहुंच जाए। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है, क्लोजिंग कॉयल है, ट्रिपिंग कॉयल है, वो भी डिफरेंट कंपनी का है, यानी इंग्लिश इलेक्ट्रिक का भी है और एलएनटी का भी है। एलएनटी का यू पावर का क्लोजिंग कॉयल है, एलएनटी का सी पावर का क्लोजिंग कॉयल है। तो बहुत सारा डिफरेंट टाइप का क्लोजिंग कॉयल ट्रिपिंग कॉयल मैंने यहाँ पे लाके रखा है, ये सारे को हम चेक करके देखेंगे। तो क्लोजिंग कॉयल ट्रिपिंग कॉयल एंड स्प्रिंग चार्जिंग मोटर का रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर को आप रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे और इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू आप मेजर करेंगे। देखिए इसका जो नेम प्लेट होता है, नेम प्लेट पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कितना रेजिस्टेंस वैल्यू होना चाहिए, तो इसीलिए हमको इसको मेजर करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों क्लोजिंग रिलीज, इसका वोल्टेज रेंज है 110 वोल्ट से 120 वोल्ट। तो इसे सर्किट ब्रेकर का रिलीज कहा जाता है, यानी सर्किट ब्रेकर में दो रिलीज होता है, क्लोजिंग रिलीज एंड ट्रिपिंग रिलीज। तो रिले एंड रिलीज में क्या डिफरेंस है दोस्तों, रिले जो कि एक सेंसिंग डिवाइस है, यानी रिले फॉल्ट को सेंस करेगा और ट्रिप कमांड जनरेट करेगा, लेकिन ये जो रिलीज है दोस्तों, रिलीज में जैसे ही सप्लाई आएगा तो सर्किट ब्रेकर को ये ट्रिप करेगा और सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेगा। मान लीजिए क्लोजिंग रिलीज में सप्लाई आ गया तो ये सर्किट ब्रेकर का क्लोजिंग मैकेनिज्म को ऑपरेट करेगा और सर्किट ब्रेकर को क्लोज करेगा। सिमिलरली जब ट्रिपिंग रिलीज में सप्लाई आएगा तो ये सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा। यानी जैसे आप कॉन्टैक्टर, मान लीजिए कॉन्टैक्टर में जब आप सप्लाई देते हैं, उसका कॉयल में सप्लाई देते हैं, तो कॉन्टैक्टर क्या होता है, पिकअप होता है। तो सिमिलरली ये जो रिलीज है दोस्तों, रिलीज का कॉयल है, तो उस कॉयल में जब हम सप्लाई देंगे तो कॉयल क्या होगा, कॉयल मैग्नेटाइज होगा और कॉयल प्लंजर को पुश करेगा या पुल करेगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि रिलीज में कॉयल होता है और कॉयल का दो ओयर बाहर निकला हुआ है, तो उसी दो ओयर में हम सप्लाई देंगे, यानी एक पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो ये कॉयल एनर्जाइज होगा, मैग्नेटाइज होगा और उसका जो प्लंजर है, प्लंजर को पुल करेगा। तो मान लीजिए आपका एक क्लोजिंग कॉयल खराब हो गया, तो क्लोजिंग कॉयल जब खराब हो जाए तो उसको रिप्लेस करने का क्या तरीका है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज, कितना वोल्टेज में ऑपरेट हो रहा था। तो मान लीजिए 110 वोल्ट डीसी में ऑपरेट हो रहा था, तो आपको 110 वोल्ट डीसी वाला क्लोजिंग कॉयल लगाना पड़ेगा और सेम मेक का लगाना पड़ेगा। अगर आप डिफरेंट टाइप का यूज करेंगे तो वहां पर फिटिंग नहीं होगा और काम नहीं करेगा। ये देखिए दोस्तों वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का ट्रिपिंग एंड क्लोजिंग कॉयल दोनों देखने में एक जैसा है, और इसका जो नेम प्लेट लिखा गया है दोस्तों, नेम प्लेट में क्लियरली लिखा गया है 65 ओम, यानी इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू आएगा 65 ओम आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों मल्टीमीटर को आप रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे और इसका जो दो लीड निकला है, दो लीड से ही आप मेजर करेंगे उसका रेजिस्टेंस। कॉयल का रेजिस्टेंस कितना शो कर रहा है दोस्तों, 68 ओम शो कर रहा है, लिखा हुआ है 65 ओम और मेजर करने पर आ रहा है 68 ओम। तो अभी आपको मालूम हो गया कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग कॉयल 70 ओम के आसपास शो करना चाहिए। अगर उसे ज्यादा शो कर रहा है तो समझ लीजिए कि क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग कॉयल खराब हो गया है या वीक हो गया है। तो चलिए दोस्तों एससीबी का साउंड रिलीज को टेस्ट करके देखते हैं, मेजर करके देखते हैं उसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 254 ओम। तो क्लोजिंग कॉयल को मेजर करते हैं, क्लोजिंग कॉयल का वैल्यू आ रहा है 42 ओम। ये दोनों एलएनटी सी पावर ब्रेकर का मैंने मेजर कर रहा था। तो आपको मालूम हो गया कि सी पावर का क्लोजिंग एंड ट्रिपिंग कॉयल का रेजिस्टेंस वैल्यू
कितना आता है। तो चलिए यहाँ पे और दो क्लोजिंग कॉइल है उसको भी मेजर करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना शो कर रहा है, 1.7 मेगा ओम शो कर रहा है, जिसका मतलब है कि इसका जो कॉइल है कॉइल ओपन हो गया है। यानी अगर ये रिलीज को आप यूज करेंगे, क्लोजिंग में यूज करेंगे, तो सर्किट ब्रेकर बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ये सर्किट ब्रेकर का ये जो क्लोजिंग कॉइल है, क्लोजिंग कॉइल ओपन शो किया। तो चलिए स्प्रिंग चार्जिंग मोटर का रेजिस्टेंस वैल्यू कितना आता है मेजर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 500 किलो ओम शो कर रहा है, तो बहुत ज्यादा शो कर रहा है दोस्तों, 500 किलो ओम, मुझे तो लग रहा है बहुत ज्यादा शो कर रहा है। तो चलिए दूसरा वाला जो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है उसको हम चेक करके देखते हैं, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर करते हैं। ये देखिए दोस्तों 12.9 ओम, फास्ट वाला में कितना था, फास्ट वाला में था 500 किलो ओम और सेकेंड वाला में है 12.5 ओम। तो अभी आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो दोनों स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है दोनों अलग अलग कंपनी का बनाया हुआ है, यानी ये पहला वाला है उल्फ का और ये वाला है अग्नि का, तो डिफरेंट टाइप का होने की वजह से हो सकता है उनका रेजिस्टेंस वैल्यू कम या ज्यादा हो जाए। तो चलिए दोस्तों और एक काम करते हैं, और कुछ स्प्रिंग चार्जिंग मोटर लाते हैं और उनका भी रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करते हैं। ये नेम प्लेट से ही पता चलता है कि ये जो स्प्रिंग चार्जिंग मोटर ये 110 वोल्ट डीसी या एसी दोनों पे ऑपरेट होगा और इसका जो आरपीएम है 10,000 आरपीएम है। लेकिन ये जो उल्फ वाला स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है इसका देखिए आरपीएम 18,000 आरपीएम है और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 वोल्ट एसी या डीसी है, यानी एसी पे भी ऑपरेट होगा और 230 डीसी पे भी ऑपरेट होगा। लेकिन नेम प्लेट को देखने के बाद हम ये कन्फर्म हो गए कि दोनों का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो डिफरेंट है, यानी एक का 110 वोल्ट डीसी है, दूसरा का 230 वोल्ट डीसी है। तो चलिए दोस्तों और कन्फर्मेशन के लिए मैं और कुछ स्प्रिंग चार्जिंग मोटर यहाँ पे लाया हूँ, टोटल 6 स्प्रिंग चार्जिंग मोटर है, तो एक एक करके सारे काम रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करेंगे। तो सबसे पहले इसका देख लीजिए कितना वैल्यू आ रहा है, 13.7 ओम, यहाँ पे देखिए दोस्तों 13.7 ओम। और सेकेंड वाला का कितना आ रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना आया उसका, 433 किलो ओम, यानी 450 किलो ओम शो कर रहा है। फास्ट वाला कितना शो किया, 13, और ये वाला शो कर रहा है किलो ओम में शो कर रहा है, 430 किलो ओम में शो कर रहा है। तो चलिए तीन नंबर वाला स्प्रिंग चार्जिंग मोटर को हम चेक करते हैं, उसका रेजिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे देखिए दोस्तों और भी ज्यादा हो गया, यानी 1.5 मेगा ओम शो किया। फास्ट वाला में 13 ओम और ये सेकेंड एंड थर्ड में मेगा ओम में शो कर रहा है। और ये देखिए दोस्तों फोर्थ वाला का रेजिस्टेंस वैल्यू 81.2 ओम शो कर रहा है, ये भी ओम में शो कर रहा है। यानी अभी तक हम चार मेजर किए, चार में से दो ओम में शो किया और बाकी दो मेगा ओम में शो किया है। तो चलिए दोस्तों पांच नंबर वाला को हम चेक करते हैं, तो नंबर फिफ्थ का वैल्यू कितना शो कर रहा है, 500 किलो ओम में शो कर रहा है, यानी 0.5 मेगा ओम। तो लास्ट वाला यानी छठा नंबर, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना शो हो रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों 51 ओम। तो यहाँ पे हम देखा 3 ओम में शो कर रहा है और बाकी 3 मेगा ओम किलो ओम में शो कर रहा है। और आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे 3 जो स्विंग चार्जिंग मोटर है सेम मेक का है और बाकी 3 डिफरेंट मेक का है। तो चलिए दोस्तों जो खराब हो गया है या ज्यादा मेगा ओम किलो ओम में वैल्यू शो कर रहा है उसको अलग रख देते हैं और जो ओम में शो कर रहा था वो तीनों को एक जगह पे रख देते हैं, फिर हम देखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों जो मेगा ओम में शो कर रहा था यहाँ पे देखिए दोस्तों उसका जो कार्बन ब्रश है, कार्बन ब्रश यहाँ से निकल गया है, ये देखिए दोस्तों कार्बन ब्रश यहाँ से निकल गया है, इसीलिए इसका वैल्यू किलो मेगा ओम में शो कर रहा था, यानी ये उसका कंटिन्यूटी थ्रो नहीं हो पा रहा था। तो इसका भी देखिए दोस्तों सिमिलरली इसका भी एक साइड का कार्बन ब्रश निकल गया है, ये देखिए दोस्तों एक साइड का कार्बन ब्रश निकल गया है जिसकी वजह से ये मेगा ओम में शो किया इसका रेजिस्टेंस वैल्यू। तो थर्ड नंबर वाला ये भी देखिए दोस्तों कार्बन ब्रश डैमेज हो गया है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कार्बन ब्रश निकल गया है। तो यहां से हमको पता चला कि जिसका कार्बन ब्रश पोजिशन पे नहीं था वो मेगा ओम में शो किया। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल नया है तो इसका कार्बन ब्रश का पोजिशन सही है इसलिए ये ओम में वैल्यू शो किया। और एक को देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों उसका कार्बन ब्रश का पोजीशन ये बिल्कुल सही है, अंदर की तरफ देखिए बिल्कुल सही पोजीशन पे लगा हुआ है इसलिए कंटिन्यूटी थ्रो हो रहा है,
तो रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर हो रहा है, जिसका कंटिन्यूटी थ्रो नहीं हो रहा है वो मेगा ओम किलो ओम में शो कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसका भी कार्बन ब्रश सही है। तो यहां से आपको पता चला दोस्तों, कार्बन ब्रश का इश्यू हो सकता है। अगर स्प्रिंग चार्जिंग मोटर का रेजिस्टेंस वैल्यू ओम में शो कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि स्प्रिंग चार्जिंग मोटर बिल्कुल सही है, आप उसे यूज कर सकते हैं। अगर किलो ओम या मेगा ओम में रेजिस्टेंस वैल्यू शो कर रहा है तो सबसे पहले आपको उसका कार्बन ब्रश का पोजीशन को चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कार्बन ब्रश वहां पे ना हो तो आपको कार्बन ब्रश को रिप्लेस करना पड़ेगा, वहां पे नया लगाना पड़ेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों, आज का वीडियो को देखने के बाद आपको स्प्रिंग चार्जिंग मोटर कैसे चेक करना है, क्लोजिंग रिलीज ट्रिपिंग रिलीज को आप कैसे चेक करना है, इसके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं।